वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, अभी हाल ही में कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ का रेप किया गया, बड़ी ब्रूटैलिटी दिखाई गई। ऐसा लगा जैसे निर्भया कांड फिर से रिपीट हुआ है। निर्भया कांड के बाद भी कानून बने, बड़े सख्त कानून बने, लेकिन उसके बाद भी ऐसी निर्भयाओं के कई और हमें देखने को मिले, न्यूज़ सुनने को मिली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर एक कमेटी बनाई है, तो इस विषय को गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक आरएसएन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये टॉपिक बहुत ही मेरे को बोलने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर क्या करें, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है। ये आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स, चलो पॉलिटिकल रूप से तो हम शायद स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हमारा नैतिक पतन जो है ये लगातार होता जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पूरे इतिहास में जाओ, ये आरजी मेडिकल कॉलेज कार जो मेडिकल कॉलेज है, वो एक ऐसे व्यक्ति का, ही वाज वन ऑफ द, वो 19वीं शताब्दी में वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स, राधा गोविंद कार पढ़ के आए। उस समय वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, और लेकिन उस आदमी का चरित्र देखो, उसकी उसकी नैतिकता देखो, उसके विचार देखो, उसके समाज सेवा की भावना देखो, उसका देश प्रेम देखो, कि उस आदमी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर हम एक अस्पताल खोलेंगे और हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे। और कहते हैं कि वो साइकिल पे घूम घूम के लोगों से चंदा मांगते थे, लिटरली भीख मांगते थे। अमीरों के शादी में आदमी जाकर खड़ा हो जाता था और उनसे उस समय उनसे पैसा मांगते थे। और इस तरह से उन्होंने धन जुटाया और धन जुटा के इन्होंने इसकी बुनियाद रखी आज जहां पर रेप हो रहा है। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि इस, ये निर्भया केस हुआ, ये प्रक्रिया का अंत तो कहीं दिख नहीं रहा है। निर्भया केस के बाद बड़ा हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, पूरा ये सब नौटंकीबाज, वी आर इन शॉक, ये वो करके महिला, ये सब पता नहीं कितने शॉक में थे और कितने राजनीति से प्रेरित। सही बात है, क्योंकि फिर वो राजनीति, जो लोग पॉलिटिकल क्लास है वो तो भाई कानून लाओ और ये हो, देखते गोली मार देनी चाहिए, फांसी लगा देनी चाहिए, पहले फांसी दो फिर बात करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ, केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो रेपिस्ट है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है वो रेपिस्ट किस मजहब से आता था। बिल्कुल, ये पूरे जो ये कि गोली मार दो, ये है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है, उन लोगों ने ये पूरा यकीन किया कि उस रेपिस्ट का नाम कभी ये उजागर ना हो, क्योंकि एक खास समुदाय से था, एक खास समुदाय से था वो लड़का, ठीक है ना। और उस समुदाय में आप कोई भी रेप ले लेना, 70-80% आपको उस समुदाय का कोई ना कोई मिलेगा उसमें, ठीक है। तो मुझे याद है एक बार मैं, एक मेरे मित्र थे मुंबई में, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके घर जा रहा था, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी थी मुझे, तो रास्ते में वो ड्राइवर बात कर रहा था, बता रहा था वो कि मैं महाराष्ट्र के गांव का रहने वाला। फिर उसने बोला कि सर हमारे यहाँ
तो गांव में कोई ये रेप वेप तो आज भी हमारे गांव में ये सब कभी सुना ही नहीं है, कभी ये कभी सुना ही नहीं है। बोला कि ये सब जो वो विशेष समुदाय के लोग पता नहीं कहां से ये चीज बलात्कार का वो लेके आए। हमारे यहाँ तो सर रामायण हो गई, नहीं नहीं महाभारत वो हो गई, छोड़िए यार, इतना। महाराज मैं तो अभी भी अपने गांव हाँ की बात करता हूँ यार। आपको मालूम है हमारे यहाँ कल्चर है, अब ये कहता ना ये क्या मैं वो जातीय जनगणना कर, हमारे गांव में अगर कोई लड़की है वो पूरे गांव की बेटी है, उसका दामाद है तो उसको हम पूरे गांव का दामाद मानते हैं, वो चाहे किसी भी है वो काम, ठीक है ना। अब वो दूसरे दूसरा बात है कि ये अपने दामाद को जबरदस्ती है नो भारत पर थोप रही है, वो दूसरी बात है, ठीक है ना। तो ये हमने मतलब ये तो कभी ना सुना था ना, हमारे संस्कृति में ये है। आज भी आप आइए हमारे गांव में, लड़कियां झुंड के झुंड साइकिल पर पढ़ने जाती है, क्या कभी हमने सुना ही नहीं है चीज। ये है क्या कि ये जो ये पूरा जो ये फिनोमिनन जिसको कहें या कल्चर कहें, ये सब कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए, जो जो अंग्रेजी बोलने वाले हमारे ये हैं वो ऐसे उनका उनके ऐसे विचार विचार उनके के विचारों की गिरफ्त में, ऐसे चरित्र की गिरफ्त में, वही लोग जाकर वो लॉयर बनते हैं, जजेस बनते हैं, वही लोग वो करते हैं। क्योंकि जब इस निर्भया के रेपिस्ट का नाम आया, आज भी कोई उसका नाम नहीं लेता है, और उसको दिल्ली की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार से बोल के उसको एक बड़ा ऑनरेबल वे में उसको सेटल किया गया है तमिलनाडु। वो क्या वो आगे रेप नहीं करेगा? बिल्कुल दूसरी बात, उसमें तो जुडिशरी ने ऐसे लगा कि बाप रे बाप पता नहीं तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब कठुआ रेप केस हुआ, ठीक है ना, उसमें शरिया एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी हम मिला, मैं उस गांव में गया, मैं उसके दो भतीजे और बेटे कह रहे कि अपने भतीजे और बेटे से रेप कर रहा, उसका नाम शरिया उछाला जा रहा है। और ये सब हो रहा है भारत की न्यायपालिका के निर्देश पर और उनके नाक के नीचे। सो हु इज एनकरेजिंग रेप्स इन इंडिया? तो आप किसी का भाई उधर पूरा ये पॉलिटिकल षड्यंत्र था, पूरे हर तरह के क्राइम थे, क्या आपको पहला चीज यही नजर आया कि एक कमिटी बना दो? भाई उस लड़की का रेप हुआ वो तो ठीक है, उसका 36 घंटे ड्यूटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये फैसिलिटी है, व्हाट व्हाट कनेक्शन इट हैज विद द रेप? मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आया। और जब जज साहब लोग ना जब ये नौटंकी करते हैं ना, आजकल तो सब कुछ टेलीकास्ट, जब वो नो जब वो क्या जब वो मैन्युफैक्चर्ड एंगर दिखाते, मैं समझ जाता हूं कि अब ये आगे क्या करने वाले, वो पूरी नौटंकी होती। और एक बच्चलन वकील आप देखोगे हर केस में वो रहता है, क्या जज साहब को मालूम नहीं है उसको मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो, वो रेपिस्ट को भी डिफेंड करता है, वो चोर को भी डिफेंड करता है, वो जॉर्ज सोरस से भी मिला हुआ है, वो उससे भी मिला हुआ है। अब आप जब ऐसे बकवास करेंगे, आप वो किस्म की वो आप एक जज होके आप वो किताबों का आप वर्णन देंगे लोगों को कि जिसमें मतलब वो पूरा वो किस्म, आप तो पता नहीं कौन से गंदे यूनिवर्सिटी, कौन ये हार्वर्ड वर्वर्ड को मैं बिल्कुल गंदा मतलब जो द डर्टीएस्ट माइंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन हार्वर्ड, सॉरी टू से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, द डर्टीएस्ट माइंड्स जो कि ह्यूमैनिटीज में करते हैं, वहां पे ह्यूमैनिटीज और द डर्टीएस्ट माइंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्या,
कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन, और आप ये जितने नालायक जो मैं ये जो वकील जिनकी मैं बात करूं, मिस्टर सोएनसो एंड मिस्टर सोएनसो, मिस्टर सोएनसो को वो वही एक्चुअली दे वही ट्रीटमेंट इनको डिजर्व करने थे जो कि कभी किसी ने बंगाल में दिया और ये होगा, मैं तो हैरान है। पूरा देश पीड़ा में, आप कमेटी बना रहे, कभी कब उस समय लॉ बन गया, अब फिर कुछ होगा, फिर आप ये करोगे, ये सब स्केप रूट्स है, किसी को बचाने का वो चल रहा है। दूसरा मी लॉर्ड से मैं एक और सवाल पूछूंगा और उनको इसका जवाब देना होगा कि मी लॉर्ड ये बताइए कि आप जानते हैं कि एक वकील साहब जज बनाने के लिए सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे, तो क्या डज इट कॉन्स्टिट्यूट रेप और नॉट? जज साहब, जज साहब आपने तो बहुत बड़ा एक जजमेंट दे दिया कि एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है और वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं यहां पे जज साहब सुनिए, आप ना लॉ वो पढ़ के आपके बाप होंगे निकल जाएंगे, मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, मैं बहुत छोटा था लेकिन पढ़ लेता था, ठीक है ना, मेरी 12 साल की उम्र होगी उस समय, तो हमारे घर में सारे मैगजीन्स आते थे, हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, तो मेरी मदर ने धर्मयुग या हिंदुस्तान में एक कहानी थी वो अक्सर दोपहर में वो पढ़ती थी, तो एक दिन मेरे को उसने कहा कि ये पढ़ो, तो एक उसमें एक आर्टिकल था साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग में, हुजूर मैं बड़ी पापिन, उसका हेडिंग था, वो हेडिंग सॉरी उसका हेडिंग था, तो उसमें कहानी क्या थी, दैट वॉज रिटन बाई एन एक्स जज एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, निरंजन नाथ आचार्य राजस्थान के जज थे, तो उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने बताया कि एक बार कोई एक उनके पास केस आया, केस ये था कि एक कोई टेलर था, उसकी किसी से शादी हुई, फिर उसकी पत्नी ने ये कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, कुछ आप कीजिए ये, तो उसने एक ट्यूटर रख दिया उसके लिए, धीरे 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 उस महिला का ट्यूटर के साथ संबंध बढ़ गए, वो अट्रैक्शन इतना फैटल हो गया कि दोनों ने डिसाइड किया कि ये टेलर महाराज को मार दिया जाए, हाँ ये रास्ते से हटाओ इसको, तो उसने उस पर गले पे वो एक दिन वो सोया हुआ था, सडनली इसने पैर पकड़ा या उसने पैर पकड़ा, एक ने उसको पूरे तकिए से लेके ही वो स्मॉदर टू डेथ, समझे, अब ये हो गया, फिर बाद में जो भी हुआ खुलासा हुआ, शी वाज अरेस्टेड, और जज साहब ने लिखा था कि एक ये महिला जो है वो कटघरे में वो सर पटक पटक के वो सिर्फ एक ही बात करी थी कि हुजूर मैं बड़ी पापी हूँ, हुजूर मैं बड़ी पापी हूँ, मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मुझे फांसी की सजा दो, और उन्होंने फिर लिखा कि पता नहीं उसके बाद वो जब वो जेल में ही थी, अभी ट्रायल चल ही रहा था, उसके पूरे बॉडी में ना इरप्शंस हो गए, मतलब विभत्स, एंड शी डाइड। तो जज साहब ने यही उनकी कहानी का सार ये था कि एक तो होता है ये कानून मानव एक नेचुरल जस्टिस, एक नेचुरल जस्टिस, अब सोचो एक आज तक मुझे क्यों वो याद, लेकिन जज साहब जब लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे
ठीक है ना, ये वो किस्म का आपने तो सुना होगा। अरे कई बार होता है ना, हमारे भी फैमिली में वो छोटे बच्चे होते हैं, कोई कोई लड़कियों को लड़कों का टॉम बॉय होते हैं, लड़के का बहुत शौक होता है, एक उम्र आता है वो फिर ठीक हो जाता है। या कुछ लड़कों को मतलब वो मैंने देखा है, लड़कों को बार्बी डॉल्स से खेलने का बड़ा शौक होता है शुरू शुरू में, ठीक है होते हैं। अगर अमेरिका में जैसे ऐसे हो जाए और वो कहे कि मैं तो एक्चुअली मैं लड़का हूं लेकिन मैं मेरे में अंदर अंदर में लड़की बसती है, अगर आपने उसको अपना जेंडर चेंज करना चाहता है तो आपने अगर रोकने की कोशिश की एज पेरेंट्स तो आप जेल चले जाएंगे। ये सब बेहूदगी, और ये बेहूदगी ये हमारे यहाँ कुछ लोग लेके आ रहे हैं। प्रकृति, मैंने प्रकृति का न्याय का बोला ना आपको, प्रकृति क्यों, अगर प्रकृति इसकी इजाजत देता तो ये जितने जो ये सेक्स मतलब ये जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं ये दे शुड हैव बीन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। इसका मतलब प्रकृति भी आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकती। नहीं तो जब आप ऐसे ऐसे चीज बोलेंगे, ऐसे ये करेंगे, किसी एक मजहब का है तो आप बोलेंगे इसका नाम मत लो, और किसी दूसरे मजहब का है तो आप बोलेंगे कि इसकी इस रेपिस्ट का बार बार नाम लो। तीसरा, आप सोचो, मैं फिर से माननीय जज साहब के, कि वो वकील मतलब क्या माफिया है यार वो। अभी वो राज्यसभा का नंबर फिर से बनने जा रहा है। वो व्यक्ति एक सेक्सुअल फेवर्स ले रहा है कि मैं आपको जज बना दूंगा। अब वो पहला और आखिरी तो होगा नहीं उसका विक्टिम, सही बात है। कितने बैठे कितने होंगे बैठे होंगे। और अगर रेप की आप परिभाषा में जाओ, डज इट कॉन्स्टिट्यूट रेप और नॉट, और वो आदमी सामने आपके खड़ा, हर दिन सामने आपके खड़ा होता है, और आप जिस तरह से मुस्कुराते हुए बात करते हैं, आपके भी चरित्र पर हमको शक होता है। सरकार? आप ये नौटंकी, हमने अंग्रेजी बहुत, एक तो ना ये अंग्रेजी मैं सुन सुन के मैं आई एम फेड अप, एक्चुअली आई एम फेड अप। सर का गुस्सा तो समझ में आता है, आपके अंदर भी काफी रोष होगा। जुडिशरी अपना रोल सही प्ले नहीं कर पा रही है, रेप जैसे मुद्दे को भी उसने दिस कमेटी इज बना के ऑल छोड़ दिया। मैन्युफैक्चर्ड एंगर आई एम टेलिंग यू। ये जो मैं इनका देखता हूं ना, अब तो सब कुछ दिखता है भाई, अब तो प्रोसीडिंग दिखा, ये सारा मैन्युफैक्चर्ड एंगर होता है। क्योंकि अगर इनका एंगर जेन्युइन होता तो वो आदमी, वो वकील ध्यान आज लगा वो करोड़ों रहा करोड़ों रुपया कमाता है होता। हर दिन इनके सामने आके, और ये इससे डरते हैं या पता नहीं क्या है, मतलब क्या अंदर की रिश्ता है, क्या मुझे नहीं समझ में आ ये रहा है रिश्ता क्या इसका। कहलाता है। थैंक यू व्यूअर्स, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ ऐसा बोलने के लिए भी। थैंक यू सर।